अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान कुरैशी और मैं हूं नेशनल स्टेडियम में, जहां के PSL 5 का मरहला जो है मोमेंटम पकड़ता हुआ, जंग जो है अपने उरूज पर, अब छठे नंबर पे है जो डिफाइड चैंपियन है क्वेटा ग्लैडिएटर, टॉप पे मुल्तान सुल्तान। लेकिन हम जो हमारा असल टॉपिक है कि इस वक्त जो सारे बाहर के जो प्लेयर हैं वो इस टूर्नामेंट में आए हो, चाहे वो बेन डंक हो, चाहे वो कॉलन इंग्राम हो, चाहे वो रॉकी मनरो हो, चाहे वो शेन वाटसन हो, चाहे रसन रॉय हो या जैसन रॉय हो या रॉली रॉस हो। शोएब है मेरे साथ, पाकिस्तान के मायनाज ओपनिंग बैट्समैन, चश्मो चराग है मोहम्मद खानदान की दूसरी नस्ल के। शोएब, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि बाहर के प्लेयर बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहे, हमारे प्लेयर जो है वो वर्ल्ड T20 में नज़र आ रहे लेकिन उनका इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल जान भाई, ऐसा ही है, इसलिए कि ये टूर्नामेंट का फ़ायदा ही हमारे यंगस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा जो बेस है वो उनके लिए प्रोडक्टिव होना चाहिए, और जब तक वो यहाँ से अगर एक ब्राइट स्टार बन के नहीं निकलेंगे तो कल मौका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान की टीम के लिए। यहाँ से उनको सीखना चाहिए, लेकिन यही बात है, अगर यहाँ आज ये टूर्नामेंट हो रहा है लेकिन इसका पीछे होमवर्क जो हमारे जो सो कॉल्ड कोचेस हैं, चाहे वो PCB के हों, चाहे वो पीछे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के थे, उन लोगों ने इसके ऊपर वो काम नहीं किया। मैं समझता हूँ उसका रीज़न ये है कि हर बॉल के ऊपर आपको बड़ी हिट छक्का मार के ही नहीं, T20 में बहुत से जो आप, सबसे बड़ी बात यह है कि इस टूर्नामेंट का ये फ़ायदा है कि आप सिर्फ एनालाइज करना अगर शुरू कर दें तो आप कम से कम 2 CD सिर्फ एनालाइज करने के बाद मैं कंफर्म कह सकता हूं, लिख के दे सकता हूं कि ये अगर जितनी टॉप इनिंग्स कोई गोरो ने जो भी आपने नाम लिया हेल्स और ये दूसरे, इनकी अगर आप देखें तो आपको ऑटोमेटिकली सीखना मिल जाएगा पेस ऑफ द बॉल, गैप्स कहाँ हैं, वो शॉट्स मारे। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के आंख बंद करके निकल के बस छक्का मार लिया, चलिए ठीक है आपने कहा, लेकिन हमारे जो प्लेयर हैं वो बेन डंक जो इन्होंने डंके बजा दिए, लेकिन हमारे प्लेयर वर्ल्ड T20 में नजर है वो डंके क्यों नहीं बजा रहे, क्योंकि आजकल टीम में 200-220 अब जो सीरीज हो रही है T20 में कर रहे हैं, तो हम ये कब करेंगे? देखिए, इसमें बहुत सी रीजंस हैं कि सडन चेंजेस बहुत से मैनेजमेंट में पाकिस्तान के आते रहे। पहले ऐसे लोगों को हेड कोचेस थे जिनको खुद कोचिंग का तो खुद कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो बहुत सा डेफिसिट जो है वो पीछे से चला आ रहा है, और यहाँ नए नए प्लेयरों को बहुत कम मौके भी मिलते। देखिए, आपको यू गॉट टू पिन पॉइंट अ क्वालिटी प्लेयर जिसके अंदर के उस प्लेयर को चूज़ करें, पिक एंड चूज़ करें कि जिसकी क्वालिटी आप देखें कि हाँ जी ये दूसरे तमाम प्लेयरों से ज़्यादा अच्छा है। अगर वो प्लेयरों को जब नहीं आप अगर पिन पॉइंट करेंगे तो हर एक को चांस देंगे तो कभी वो एक इनिंग में कामयाब होगा, 4 में फेल होगा। तो यू गॉट टू रिलाई ऑन योर एक्सपीरियंस आइज, और एक्सपीरियंस होल्डर ही ये चीज़ें बता सकता है कि क्वालिटी प्लेयर कौन सा है। सिर्फ चौके छक्के 2 मार के आउट हो जाना ये कोई कमाल नहीं है। बिल्कुल यही कहा, देखिए शर्जील खान वापस आए हैं, फखर जमान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी गेम नहीं चल रही। शोएब, ये और शादाब खान चल रहे हैं जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर से बैटिंग ऑलराउंडर बन रहे हैं, ये क्या वजूहत है, हम लोग कैसे मोमेंटम पकड़ेंगे? देखिए, शादाब की बड़ी ज़बरदस्त आपने मिसाल दी, और इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह स्टीव स्मिथ पहले लेग स्पिनर आए थे और दुनिया के टॉप मोस्ट नंबर 1 प्लेयर बन गए, इस तरह ये अभी उस ग्रूव में, लेकिन इनसे वो जो आस्किंग जो है उनकी बैटिंग से ज़्यादा हमें बॉलिंग की उनकी ज़रूरत है, लेकिन इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज के वो रन्स बनाने में भी कामयाब इस वक्त नज़र आ रहे हैं, दूसरे बहुत से टॉप प्लेयरों से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, विच इज़ आईब्रो रेजिंग फॉर द अदर बैट्समैन वाली बात है। लेकिन यह है कि हर प्लेयर को यह अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि देखिए, जो हिट आउट करने की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो ओवरनाइट नहीं आती। आप अगर मैच में या प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो 10 अगर हिट आउट करने की कोशिश करते हैं उसमें से 5-6 क्रॉस कर रही है बाउंड्री, या 8-9 शॉट्स आप जो मार रहे हैं, अगर आप कंफर्ट जोन के अंदर आपके वो बिग हिटिंग है आपके रेपर्टॉयर के अंदर, तो देन ओनली यू गॉट टू प्ले दोस शॉट, वरना पेस ऑफ द बॉल, गैप्स यूज़ करें और स्ट्राइक रोटेशन ज़्यादा करें तो आप फिर भी अक्यूमुलेट रन्स कर सकते हैं। हमेशा आखिरी 4 ओवर की इनिंग शुरू पहले ओवर से तो नहीं होती, बीच में आपको बिल्डअप भी करना पड़ता है। अच्छा शोएब भाई, जो आप जानते हैं खुद बहुत स्लो खेलते थे लेकिन बड़े क्वालिटी पीरियड के जम के खेलते थे, टेस्ट में इनका नाम था, वनडे में नाम था, तो शोएब ये अब हम जो कहाँ नज़र देख रहे हैं वर्ल्ड T20 में, जो हालात हमारे चल रहे हैं, क्या हम सेमीफाइनल में जा पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान की टीम की क्वालिटीज़ इस तरह की है, दे राइज टू द ओकेजन समटाइम्स, और जब वो एक बड़ा जब प्लेटफॉर्म आता है तो अच्छी टीमें यही होता है कि उस टूर्नामेंट का प्रेशर लेना भी चाहिए, लेती भी है, और वो फिर परफॉर्मेंसेज उनकी उस तरह से आती है।
जैसे पाकिस्तान ने पीछे अभी जो इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप के जो मैचेस हुए थोड़ा लेट वहाँ से ब्लूम किया, लेकिन ये कि आखिर में फिर वो नहीं कर सके। चैम्पियंस ट्रॉफी में शुरू में हारते गए, बाद में जीत ही गए। तो यही है कि पाकिस्तान की टीम ऑन द डे उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि जी जीत रहे हैं और 15 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया की तरह दूसरी टीमों को हरा दिया, वो इनका रिकॉर्ड नहीं, इसलिए कि वो दे आर नॉट मेड ऑफ मेड इन सच अ मैनर। देखिए ये शोएब मोहम्मद की जो बातें हैं बहुत सी बातें हैं, क्योंकि बातें तो हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के प्लेयरों को अपना इम्पैक्ट दिखाना होगा, चाहे वो बाबर आजम है, बाबर आजम हमारा सबसे बड़ा प्लेयर है, अच्छा खेल रहा है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना होगा, दीगर प्लेयरों को जो पाकिस्तान के कंटेंशन में उनको इम्पैक्ट लाना होगा। ये फिलहाल शोएब मोहम्मद के साथ बातें थी, अगले एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।